दोस्तों, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में लगातार बढ़ती आबादी और ट्रैफिक के दबाव के बीच कई परियोजनाओं पर काम चल रहा है। भारी वाहनों के बढ़ते दबाव की वजह से शहर के अंदर लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है, लेकिन अब जल्द ही इससे काशी वासियों को निजात मिल जाएगी। वाराणसी के शहरी क्षेत्र के दायरे को बढ़ाने और शहर के लोगों को सुगम यातायात के लिए इनर रिंग रोड का काम तेजी से चल रहा है। पहले चरण के बाद अब दूसरे चरण के रिंग रोड का काम लगभग पूरा होने वाला है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले इस रिंग रोड को जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इनर रिंग रोड का करीब 90% से ज्यादा काम पूरा हो गया है। इस परियोजना को दिसंबर 2021 में पूरा किया जाना है। माना जा रहा है कि अगले दौर पर पीएम नरेंद्र मोदी इस परियोजना की सौगात देंगे। रिंग रोड के जरिए पूर्वांचल से अपनी कनेक्टिविटी मजबूत कर रही वाराणसी को नए साल से पहले इनर रिंग रोड की सौगात मिल जाएगी। दिसंबर तक फुलबरिया फोर लेन पर वाहनों को फराटा भरने की तैयारी की जा रही है। फुलबरिया इलाके में फ्लाईओवर और सड़क का काम पूरा कर लिया गया है। अब लहरतारा और बोलिया इलाके में रैंप उतारने की कवायद जारी है। इसके शुरू होते ही लहरतारा से कचहरी और सिपुर पहुंचने में वाहन चालकों को जाम से राहत के साथ ही 30 मिनट तक का समय बचेगा। जीटी रोड को कनेक्ट कर रही फुलबरिया फोर लेन शहर वासियों के लिए इनर रिंग रोड की सौगात होगी। लहरतारा के जरिए कचहरी, सिपुर सहित बाबतपुर रोड के जरिए आउटर रिंग रोड से शहर जुड़ेगा। कैंट रेलवे स्टेशन, रोडवेज, बस स्टैंड और अंदरा पुल पर जाम से लोगों को राहत मिलेगी। फुलबरिया फोर लेन बनने के साथ लोगों का समय और पैसा दोनों बचेगा। लहरताला से जेपी मेहता और सिपुरी फोर लेन का करीब 90% से ज्यादा काम पूरा हो गया है। इस परियोजना को दिसंबर 2021 में पूरा किया जाना है। माना जा रहा है कि अगले दौर पर पीएम नरेंद्र मोदी इस परियोजना की सौगात देंगे। मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने कहा है कि फुलबरिया फोर लेन को दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा और इसके लिए दैनिक समीक्षा शुरू कराई गई है। रैंप का काम पूरा होते ही फुलबरिया फोर लेन का काम गति पकड़ लेगा। प्रयागराज सहित अन्य शहरों को जाने वाले वाहन जीटी रोड के जरिए आगे निकलेंगे। इससे फ्लाई ओवर की एक लेन लहरताला चौराहे पर और दो लेन बोलिया पर उतरेंगी। इसके साथ ही दो लेन लहरताला चौराहे को पार करेंगी। इसमें एक वर्णा नदी पर पुल और दो रेलवे ओवर ब्रिज का एक फ्लाई ओवर का निर्माण किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप अपना प्यार और सहयोग यूं ही बनाए रखें। धन्यवाद।